हाँ तो भैया बहुत मतलब कि अजीब सा रिएक्शन दिया रूबीना दिलनैक ने तेरा सूर, जो कि अली गोनी और जासमीन का गाना है उसमें, क्योंकि दोस्तों जासमीन से उनकी जो अभी तक कड़वाहट गई नहीं है बिग बॉस में जो थी, और लगातार लग रहा है ये पता नहीं कब तक लड़ाई जाएगा। तो क्या हुआ है पूरी बात को जानने के लिए वीडियो में बने रहना प्लीज, तभी मैं आपको समझाऊंगा एक एक करके बहुत प्यार से, ठीक है। क्योंकि नया सॉन्ग रिलीज हुआ है अली गोनी और जासमीन भसीन का तेरा सूर। जी हाँ दोस्तों, टोनी कक्कड़ का गाना जो कि काफी ज्यादा नंबर वन पर ट्रेंडिंग अभी भी कर रहा है इस वक्त भी, और काफी ज्यादा लोगों को पसंद आ रहा है क्योंकि उनके बहुत ज्यादा फैंस हैं, तो कहीं ना कहीं उनके फैंस अभी उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और इस वजह से गाना ट्रेंडिंग में बना हुआ है। गाना भी ठीक ठाक ही है लेकिन मतलब बहुत लोगों को पसंद भी नहीं आ रहा है और बहुत लोगों को पसंद आ रहा है। लेकिन दोस्तों अब रूबीना ने जो है, रूबीना जो कि अली को अपना कहती थी मेरा भाई है, और मतलब कि वो भी कहते थे मेरी बहन है, तो उन्होंने दोस्तों जो रिएक्शन दिया वो जानकर दोस्तों आप ना मतलब सोचोगे यार वो आपको कहीं नहीं मिलने वाला। वो रूबीना ने अपनी स्टोरी में डाला, वो मैं वहाँ से देख के आया हूँ, तो आपको वो पूरी बात मैं समझा देता हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो में बने रहिए, छोड़ के नहीं जाइएगा, तभी आपको पता लग पाएगा। आप इतना सा तो करो यार मेरे प्यारे भाई, और जो भी देख रहे हैं, जो भी गर्ल्स भी देख रही हैं, उन सबसे ये रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरा वीडियो को छोड़ के मत जाना, तभी आपको पता लग पाएगा। तो दोस्तों रूबीना ने स्टोरी में क्या डाला कि ये गाना बहुत अच्छा है, और उन्होंने वहाँ पर स्टोरी में टैग किया था @TonyKakkad @AliGoni। यहाँ पर उन्होंने रूबीना क्या नाम है उनका, जासमीन को टैग नहीं किया, जासमीन को टैग ही नहीं किया बिल्कुल भी। और दोस्तों वो चाहती तो टैग कर सकती थी लेकिन उन्होंने उसको टैग नहीं किया। कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि दोनों में जो दुश्मनी हुई थी बिग बॉस में वो अब भी बरकरार है। और दोस्तों इसमें आपका क्या व्यू, आपको क्या लगता है वो आप भी अपना व्यू कमेंट में बताएं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। बाकी दोस्तों अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो मेरा आपको बहुत बहुत थैंक यू, टेक केयर।